खोरावर थाना क्षेत्र के लहसड़ी टोला भागलपुर निवासी मीना देवी पत्नी मान सिंह ने सोमवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि बीते 5 मई को पड़ोस में रहने वाले कमलेश की हत्या हो गई थी। कमलेश ससुराल में रहता था। कमलेश की हत्या में हमारे पुत्र किशन का कोई भी हाथ नहीं है। हमारे पुत्र को फर्जी अपराध में फंसाया जा रहा है। जिस वक्त हत्या हुई उस समय मेरा पुत्र किशन बशारतपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में अपने ससुराल जन्मदिन की पार्टी में गया था। हम चाहते हैं कि घटना के निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मीना देवी ने कहा, जेल में ही मर गया। मीना देवी, किशन, मैं इसलिए कंसीडर कर रही हूँ कि गांव में मेरी मर्डर हुआ है। निषाद आपस में लोग मर्डर किए और मैं चौधरी हूँ और मेरे लड़के को झूठी फंसाया जा रहा है। अगर मेरा लड़का अपराधी है तो उसकी जांच करवा दीजिए। मोबाइल से अगर मेरे लड़के को किसी दिन बात हुई है, एक महीना 2 महीना 4 महीना किसी दिन लोकेशन अगर बताता है और सब कुछ की जांच की जाए और ये निर्णय किया जाए। और जो फंसाया गया है, अगर मेरा लड़का निर्दोषी है, अगर फंसाया जा रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कितने लोगों को फंसाया गया? ये 7 लोग तो अभी जेल में है। उसने कबूल कर लिया है कि मर्डर मैंने किया है और किशन नहीं है, लेकिन तब पर भी ये सुभाष सहनी अध्यक्ष मानने वाली नहीं है। हाँ, मेरा लड़का जिस समय मर्डर हुआ उस समय अपने ससुराल में, वहाँ बर्थडे था, वहाँ ससुराल में केक कटवा रहा था और उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है। जहाँ वो टी शर्ट खरीदा, वो गिफ्ट खरीदा, वहाँ पर भी लड़का अपने पत्नी से वो पत्नी के साथ था, उसके उस उसको तय वो कर रहा था, ये मोबाइल से कर रहा था, पसंद करवा रहा था, गिफ्ट भी पसंद करवा था। वो लड़का मेरा वहाँ था, यहाँ नहीं था, लेकर भी झूठी झूठी फंसाया जा रहा है। अधिकारी से वो कौन है, मंदिर पर, हाँ, द्वारका तिवारी जी से मिले, बोले आप चौकी पर जाइए और हम ये लोग जांच करके रिपोर्ट देंगे। अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं दिए हमको और मेरे लड़कों को कोई तिरा। और ये फंसाया क्यों गया कि हमने राम सनेही को पैसा दिया था, मेरे लड़के का शादी था, उसमें मेरा लड़का पैसा जब मांगा तो उसी केस में हमारे लड़कों को फंसाया गया है।